हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिसको कि हम वुंड वैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये थेरेपी क्या होती है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर वुंड क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ज़बरदस्त वैल्यूएशन करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिसको कि वुंड वैक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वैक मतलब होता है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। इस थेरेपी को ऐसे वुंड्स के अंदर ऐसे घाव में दिया जाता है जो कि क्रोनिक होते हैं, या ऐसे घाव जिनका ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे डायबिटिक अल्सर्स के अंदर, या डायबिटिक फूड के अंदर, या आपके सर्जिकल कोई प्रोसीजर हुआ है उसके बाद जो घाव बना है, या फिर क्रोनिक कोई घाव है या ऐसा पुराना घाव जो भर नहीं रहा हो, ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिसको कि हम वुंड वैक के नाम से जानते हैं। इस थेरेपी में किया क्या जाता है कि एक स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग की जाती है घाव के ऊपर, और उसको प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर से कनेक्ट किया जाता है। वैक्यूम प्रेशर से कनेक्ट करने के बाद एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है घाव के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस वुंड के अंदर या उस सर्जिकल साइट के ऊपर जो एक्सेसिव फ्लूड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर घाव के ऊपर या वुंड के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और जो उसकी हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिसको कि हम वुंड वैक कहते हैं, ये काम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के बारे में और वुंड वैक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।